विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति। इस क्रम में हम अग्निहोत्र के मंत्रों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अग्निहोत्र, अग्नि को साक्षी मान करके जब हम यज्ञ करते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं, जो प्रातःकाल किया जाता है, उषा काल में, जिस समय सूर्योदय का प्रारंभ हो रहा होता है, मानो दो समय जिस समय मिल रहे होते हैं, तो प्रातःकाल भी अग्निहोत्र करते हैं और सायंकाल भी करते हैं। अग्निहोत्र में कुछ विशेष मंत्रों का चयन किया गया है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। हम अपने पूरे दिन की जो भी गतिविधियां हैं, पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जो भी कार्य है हमारे लिए निर्धारित, उन समस्त कार्यों का संपादन करते हुए, उन समस्त कार्यों का ठीक ठीक वैदिक रीति के अनुसार, वेदोक्त ऋषि प्रज्ञा से युक्त होकर के जब संपादन करते हैं तो उन कार्यों का परिणाम दिव्य हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। मनुष्य के स्वभाव में दो कर्म नियत होते हैं। एक तो कर्म जो सात्विक कर्म की श्रेणी में आते हैं, कार्यम इत्येव, कार्यम बस करना ही है। जो नियत कर्म होता है उसके लिए क्या कहा गया, कार्यम करना ही है, कार्यम इत्येव करना ही है, उसमें कोई डाउट, उसमें कोई संशय, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें सदैव उस कार्य को करना चाहिए, उसमें कोई कोताही, उसमें कोई प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। और जब इस प्रकार से हम कार्य को करते हैं, फल की आसक्ति को त्याग कर, संग को त्याग कर, ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो वो कर्म सात्विक कर्म होते हैं, वो फल सात्विक फल होते हैं। उस प्रकार किया गया त्याग सात्विक त्याग की संज्ञा में आता है और वो हमारे मोक्ष के पथ को, हमारे परम पद को, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इस पथ पर चल रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है और अंततः हम वहां पहुंच जाते हैं। ये भी बात है, जब किसी विषय में अंततः शब्द लगा दिया जाता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अंततः सब कुछ करने के पश्चात, सारे कार्य करने के पश्चात जो बाद में बचता है, अंततः, अंत में भी अंततः, अंत से, जैसे कहें कि भोजन करना है या कोई कि हमें भोजन नहीं करना है, अंततः की बात जब आती है, और जैसे कोई विषय हो गया कि अंततः तो करना ही है, तो फिर नहीं करने का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। एज ए रिजल्ट, अंततः एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट भी कैसा, जो निश्चित होने वाला है। पूछा गया कि मार्ग में परेशानियां बाधाएं तो बहुत आई, अंततः काम हो गया, जब ये शब्द आ गया अंततः काम हो गया, तो उस मार्ग में आने वाले विघ्न, आने वाली बाधाएं, वो सब गौण हो गए फिर। तो ये ऐसा पथ है जो अंततः हमें हमारे परम लक्ष्य से मिला देता है। और दूसरे प्रकार के कार्य क्या है, एक तो कार्यम इत्येव करना ही है, एक तो ये, और एक ये होता है कि कार्य तो कर रहे हैं, परेशान होके कर रहे हैं, दुखी होके कर रहे हैं, ना करने की तो बात ही नहीं करते। एक ऐसी कैटेगरी भी आती है जो कर्म नहीं करते,
खाली रहते, करेंगे तो बस खाया पिया और फिर पड़ गए, वो कोई कर्म की, वो तो पूरी प्रकृति कर ही रही है ना। एक छोटे से छोटा जीव जंतु मच्छर भी तो करता ही है ना कर्म, आता है वो जितना लेना है वहां से ले लेता है, हाथ पे बैठेगा तो हाथ में से ले लेगा, नाक पे बैठेगा नाक से ले लेगा, ले लेगा वो अपना भोजन। प्रकृति में कौन ऐसा प्राणी है, चींटी है, रात दिन लगी रहती है, सबसे मेहनती प्राणी, परिश्रम करने वाली जो प्राणी है वो चींटी है, लगी रहती है। और ऐसा भी कहते हैं कि सोती भी नहीं है, जब तक जिएगी काम करती ही रहेगी, इसलिए उसकी संज्ञा दी जाती है कि चींटी सबसे अधिक परिश्रम करती है जीवों में। जैसे ही अपना जन्म के पश्चात जैसे ही कार्य करेगी, बस कार्य करती ही रहेगी, फिर वो कोई सोने का काम नहीं, आराम उसको बना ही नहीं ऐसा, और अपने वेट से भी ज्यादा वजन उठा के ले जाती है। मनुष्य को लगता है ना कि हम बहुत काम करते हैं, परमात्मा ने घमंड तोड़ने के लिए चींटी बना दी। ये उदाहरण देते हैं ना कि एक चींटी हाथी को भी मार देती है, वो ठीक है कि ऐसे कहते हैं उसकी हाथी की सूंड में घुस जाए, सूंड में उसकी जो आगे नाक होती तो उसमें घुस जाए तो अंदर जो ऐसे चलते 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 ऊपर तक पहुंच जाती है मस्तिष्क तक। अब कोई चीज अपनी नाक में घुस जाए और अंदर चलते चलते ऐसे ऐसे करके मस्तिष्क में पहुंच जाए, खैर यहां से तो सिस्टम ही नहीं है, यहां से तो फिर नीचे आ गया, या मांस में छेद करके ऊपर चले जाए। जैसे एक भाई बता रहे थे कि जो है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है, तो कहते हाथी मर जाता है। अभी मतलब अभी तक ऐसा प्रैक्टिकल तो देखा नहीं है, बस सुनते तो हैं, और लोक में जो विषय आते हैं तो ऐसा भी नहीं बिल्कुल असत्य होते हैं, कहीं से कुछ तो हो गई, कोई हाथी मर गया होगा उसका, हो सकता है किसी ने देखा हो उसका पोस्टमार्टम आदि करके मरने का कारण, तो हो सकता है चींटी दिखाई दे अंदर वहां जाकर के, जो भी। और यदि ये कोई किंवदंती भी है या समझाने के लिए कोई बात भी है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, एक चींटी भी हाथी का घमंड तोड़ देती है, ये भी हो सकता है उसमें कोई, ये हम उसकी यथार्थता में नहीं जा रहे कि चींटी से हाथी मरती है या नहीं मरती, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है पुरुषार्थ को जानने का, कि एक व्यक्ति का पुरुषार्थ, एक छोटी सी चींटी का पुरुषार्थ भी विशाल का हाथी को भी गिरा सकता है, ये हम इस विषय को ले रहे हैं इसमें। और इतना पुरुषार्थ करती कुछ नहीं करते पुरुषार्थ, तो जो नियत कर्म को करना है ये हमारे वश में, और नहीं करना ये भी हमारे वश में है। अब मनुष्य के पास बड़ी दुविधा होती है, उसको दो ऑप्शन मिल गए, एक तो अत्यंत पुरुषार्थ करना और एक आनंद में रहना, कोई पुरुषार्थ ना करना। यह आनंद तो वैसा वाला आनंद नहीं है, आलस्य प्रमाद जनित सुख है, जिसको तमस कहते हैं। तमस क्या होता है, जाड़े हो रहे हो, कंबल ओढ़ के पड़े हो, चार बज गए हो, उठने को कहा जा रहा हो, और हमारे शरीर की समस्त शक्तियां कहती है कि नहीं उठना नहीं है, यह आलस्य बोलता है, ये प्रमाद बोलता है। आत्मा कहती है उठ जा, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है ना, ज्ञान शुद्ध, वो कहती उठ जा चार बज गए, आलस्य प्रमाद कहते हैं चुप हो जा, आत्मा की आवाज को दबा देते हैं मिलके दोनों, होते ना किसी कमजोर व्यक्ति को तो दो दवाई देते मिलकर के। अब ये हमारा विषय है कि हमें अपने आत्मबल को सशक्त बनाना है कि कमजोर बनाना है, ये ज्ञान का विषय है। आपको उस समय ये होना चाहिए कि नहीं अब तो उठना है, ठीक है। कभी कोई बहुत ज्यादा विलंब हो जाए, कोई कार्य में बिजी हो, 11 बजे 12 बजे आपको लगेगी, 4 बजे 4:30 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 4-5 घंटे की नींद ले लो, पर अपने आत्मबल को क्षीण नहीं करना चाहिए, ये विशेष बात है। ये हमारे वश में है, और यही परमात्मा ने तो दी हमें स्वतंत्रता, स्वतंत्र करता, और हम हो गए उसके वश में। हम भगवान की मान कह रहे हैं, ऋषियों की मान कह रहे हैं, कहा कि अग्निहोत्र करना है सुबह शाम, गृहस्थों के लिए तो विशेष बना दिया, सभी के लिए करना चाहिए, कहा मानते हैं।
कहा कि हमें तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है, करें या ना करें। अरे स्वतंत्रता दी है, कार्यम एवा करना ही है, ये तुम्हारे लिए नियत है, ये विधान है, ये स्वतंत्रता है आपके लिए, करना है। ये भी तो स्वतंत्रता है ना, पशु नहीं कर सकता, ये परतंत्र है, वो उसको ऐसा सिस्टम ही नहीं दिया, भोग्यों नहीं बना दी। तोता कितनी भी भाषाएं बोल ले, पुण्य नहीं कमा सकता। कुत्ता कितना ही वफादार क्यों ना हो जाए, पुण्य नहीं कमा सकता है। हाथी कितना ही समझदार क्यों ना हो जाए, पुण्य नहीं कमा सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पुण्य कमा सकता है, अपने पाप को नष्ट कर सकता है, नए पुण्यों का सृजन कर सकता है, और पुण्य और पाप के चक्कर से भी पार जा सकता है। कितनी सामर्थ्य दे दी। और अंततः कहा कि जो जन्म दुख का कारण है उससे भी पार चला जा सकता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरा पाए तदंतरा पायात अपवर्ग, अपवर्ग को पा सकता है, इस पूरी चैन को तोड़ सकता है, सारे बंधन तोड़ सकता है। कैसे तोड़े? सुनकर तो टूटते नहीं, सुनकर इतना तो हो सकता है, अच्छी बातें सुनने से मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है, आत्मबल बढ़ता है, सुनने से भी तो लाभ होता ही है ना। सामने गड्ढा है, ऊपर घास बिछी हुई है, आप जा रहे हो, किसी ने बोल दिया कि भाई आगे मत जाना, गड्ढा है यहाँ बहुत गहरा, चोट लग जाएगी, सुन के भी काम तो होता ही है ना, बुरे काम से बच जाते हैं। या कहीं जा रहे हैं कोई कहे वहां मत जाना आगे रास्ते में चोर है, तो व्यक्ति नहीं जाएगा। तो ऐसा तो नहीं, सुनकर भी ज्ञान प्रयोग में तो आता ही है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। पर बात यह है, वो आपके विवेक पर भी तो निर्भर करता है। आपने उसकी बात को सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, सीधे चले गए गड्ढे में भी गिर गए और चोर से भी पिटाई खा ली। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। शास्त्रों ने तो बहुत सुना रहे ना, शास्त्र कहता है ओम भुवर वायवे अपनाए स्वाहा, इदम वायवे अपनाए इदं नमः। भुवर वायवे अपनाए, भुवा जो दुख विनाशक परमात्मा है, अपनाए जो दुखों को, अपान प्राण, अपान जो दुख को नष्ट करने वाला, अपान वायु रुक जाए किसी की, अपान वायु, व्यक्ति सोचते हैं तो कोई नहीं, तो मजाक की बात है, ऐसे क्या है, प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण है, जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, जो पेशेंट आते हैं, अपान वायु आनी बंद, पेट फूलने लगता है और प्राण संकट में आ जाते हैं, ऐसे इस तरह। गाय भैंस देखिए ना, कभी कभी पेट में अफारा उठ जाता है उनके, जो खाते पीते हैं पेट में वायु प्रकुपित हो जाती है, पेट को फोड़ करके ऐसे डालते हैं नली पूरी मोटी, अंदर ऐसी मोटी नली पूरा निकालते हैं, प्राण नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम। तो अगर ओम भुवर वायव्य अपनाय स्वाहा, कल मंत्र करके अर्थ कर रहे थे ना, ओम भूर अग्नये प्राणाय स्वाहा, तो अगला मंत्र है ओम भुवर वायव्य अपनाय स्वाहा, जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले, जो दुख का नाश करने वाला परमात्मा है। दुख का नाश क्यों चाहते हैं? क्योंकि मुक्ति को चाहते हैं। दुखी आदमी की मुक्ति कैसे होगी? हाँ, दुख यदि करना भी है, साधक किस बात का दुख कर सकता है? एक अलग अर्थ में कह रहा हूं दुख का मतलब, भगवान के की याद में आंसू बह सकता है, पर वो आंसू उसको वो गहरा वाला दुख उत्पन्न नहीं करेंगे। एक सामान्य बात है, साधक इस बात से दुखी हो जाए कि भगवान की प्राप्ति मुझे करनी है, भगवान के लिए आंसू बहाना, पर वो दुख दुख नहीं मानते हैं ना, उस दुख को दुख नहीं कहा जाता, वो तो भक्ति है, वो तो भक्त है, वो करुणा है ईश्वर की, है ना, ईश्वर के प्रति प्रेम है, वो एक अलग पक्ष हो जाता है ना, उसको दुख वैसे कहते नहीं, वो तो एक स्टेज ही अलग है ना, वो तो साधक की चित्त की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता का एक पैरामीटर है, एक मापक है। किसी के सामने कुछ भी हो जाए, ऐसे बैठ रहेंगे गुप होकर, ये मनुष्य के लक्षण नहीं, कहते हम तो बहुत रफ एंड टफ है, भगवान के सामने तो आंसू बहाने चाहिए, कोई कितने बड़ा साधक क्यों ना। मतलब समाज संसार के आगे की तो बात ही नहीं चल रही, वहां तो रहना ही है। साधक भी अगर रोए समाज के आगे आकर के कि आज वो बहुत ठंड हो रही, रोना आ रहा है मुझे, भूख लग रही है, रोना आ रहा है, ये तो लक्षण ही नहीं है, बात तो ऊपर की चल रही है। आज
किसी वजह से मेरा जाप छूट गया भगवान का, हृदय द्रवित हो जाए, हे प्रभु ऐसा कैसे हो गया, यज छूट जाए कभी, एक तड़प उठे मन में क्या क्या हो गया, आके कर लो, तो ऐसा भाव मन में ये भाव आना चाहिए, यज में जरूर आना है, डेली आना है, नए आएंगे एब्सेंट लगाएंगे दंड मिलेगा, ये तो बहुत छोटी बात है जिस पथ पर हम चल रहे हैं, यहां तो तड़प होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए मन में, श्वास लेना भारी हो जाए यज में ना जाए तो ऐसा भाव मन में, श्वास चलने में दिक्कत होने लगे, मतलब कोई समस्या रोग की वजह से नहीं, मन में ऐसे भाव है कि जो है आज कुछ छूट गया मुझसे, ये भाव जैसे बच्चा छोटा होता है और विद्यालय में पहली बार जाता है तो माँ का हृदय भर आता है, या जब बेटी या बहन शादी के बाद घर जाती छोड़कर जाती है, हमेशा के नहीं जाती, उसको पता है 2-3 दिन बाद फिर घर आएगी और फिर ऐसा संबंध जुड़ेगा, घर पे भी आना जाना रहेगा, बाहर भी आना जाना रहेगा, पहले एक परिवार में थी अब 2-2 परिवारों में संबंध बना है, पर फिर भी छूटता तो है ना संबंध, हृदय भर आता है, रोते सब मिलकर के रोते, तो क्यों रोते, कुछ छूट रहा है, तो वो रोना तब आना चाहिए भगवान का नाम भगवान का भजन कभी छूट जाए, हालांकि साधक से तो छूटने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, यहां जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है ना साधक, तो ये नहीं कि पतंजलि योगपीठ में रहने वाले या विभिन्न मठों में या आश्रमों में रहने वाले जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, इस पथ पर चलने वाले जो भक्त हैं उनकी बात हो रही है, मनुष्य मात्र की बात होती है, क्योंकि सभी को अपने जीवन को साधना है, मनुष्य है तो जीवन को साधो, साधो का अर्थ केवल ये गेरवे वस्त्र पहन करके खड़े होने वाले साधु ये नहीं, जो साधु शब्द है वो भाषा में अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है, कोई बहुत सुंदर काम करे तो कहते साधु साधु बहुत अच्छा काम किया, साधु साधु जीवन को साधु, जो अच्छे होते हैं सच्चे होते हैं वो साधु ही होते हैं, आप घर परिवार में बोलते हैं ना तो बिल्कुल साधु प्रवृत्ति का है, यानी सात्विक प्रवृत्ति का है, अच्छी प्रवृत्ति का है, तो क्या कहा, वायवे अपनाय जो सर्व दुख निवारक है, सब सुखों के देने वाले हैं परमात्मा, अपनाय सब हटा देते हैं, जो दुख स्वरूप है दुख का समस्त स्वरूप हटा देते हैं, ऐसी बात बता रहे, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वरादित्याय व्यानाय, और क्या होता है जब दुख हट जाते हैं, वो प्राणों से प्यारे प्रभु जब हमारे दुख हटा देते हैं तो सुख बचा है तो कुछ है ही नहीं, और जीवन में आनंद ही आनंद है, दो बातें बड़ी विशेष है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो कष्ट आ जाते हैं कभी कभी सामने, जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो दुखी हो जाता है, कभी कभी समाज में भी आपने देखा होगा, आपके अपने भी अनुभव होंगे कि जब कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो छोटे छोटे कष्ट आने लगते हैं, और समाज में व्यक्ति ऐसे कहते हैं चलो ये तो देखो वैसे तो बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, इनके जीवन में स्वयं इतने दुख हैं, या उनको भी दुख आते हो जाते हैं, कोई घटना घट जाए परेशानी होती है, ये छोटी घटना नहीं है, जब अच्छे कर्म करते हैं सच्चे कर्म करते हैं पुण्य कर्म करते हैं और आपके सामने दुख उपस्थित हो रहे हैं विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करो, क्यों करो, जब हम शुभ कर्म कर रहे हैं अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी बुद्धि की स्थिति हमारी मानसिक स्थिति अच्छी है, उस अच्छी और सच्ची स्थिति में भगवान जी कहते हैं चल इसके छोटे छोटे दुखों को निकालना शुरू करो, जो बुरे कर्म है जो पाप कर्म है जो पहले का संस्कार कभी ऐसा बना हुआ है जो हमें कर्मफल देने के लिए आतुर है उसको कहते हैं तुम चलो तुम निकलो जल्दी, अभी ये स्ट्रांग है इस समय निकाल दो तो निकाल दो, नहीं तो बेचारा वैसे ही दुखी होगा फिर और दुखी के कर्म आएंगे तो और परेशान हो जाएगा, तो भगवान जी निकालते हैं कोटा जितनी जल्दी समाप्त हो जाए हो जाए, जैसे कहते हैं ना संघर्ष का काल क्या होता है युवावस्था में काल संघर्ष का होता है, युवावस्था है तो संघर्ष कर लो ताकि बुढ़ापा आराम से कटे, तो वो जब पुण्य कर्म कर रहे होते तो युवावस्था होती है कर्मों की, कहते जो भी बुरे कर्म अभी निकाल दो सामने,
ताकि फिर चैन से बुरे निकल गए, बुरे हम कर नहीं रहे, अच्छे कर्म कर रहे हैं और पिछले बुरे कर्मों के फल निकलते जा रहे हैं और हम परेशान ना हो करके अपने अच्छे कर्मों को ही करते जा रहे हैं। तो फिर उन अच्छों के भी संस्कार आगे बढ़ गए और पिछला जो बुरे निकल गए पिछले के भी अच्छे बचे हुए, जीवन की गाड़ी ऐसी दौड़ी ही पटरी पे अच्छे अच्छे, लेकिन घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग टूट जाते हैं। हम तो अच्छा कर्म करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, होने दो, प्रार्थना करो प्रभु जितना बुरा कर सकते हो, भगवान तो क्यों बुरा करेंगे, कि प्रभु जितने भी कर्मों के फल देने हो दे दो, जो भी बचा हुआ बैलेंस अभी दे दो, क्योंकि अभी हम तो कर रहे हैं कार्यक्रम, जितने निकल जाएंगे निकल जाएंगे। बड़े प्रसन्न रहा करो, सोचो कि नाए धोए बढ़िया यज्ञ क्या, सब अच्छा कर्म क्या, सारा सब संसार से सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हो, सुबह से शाम तक आंख बंद करके बैठते हो, एक भी गलत कर्म का विचार मन में नहीं आता कि आज मैंने किसी का दिल दुखाया है, आज मेरे से कोई गलत कार्य हुआ है, 1% भी विचार ना आए और दिन में कई बार दुख मिल जाए आपको, तो स्माइल क्या करो कि आज का दिन तो मेरा बड़ा पवित्र रहा और फिर भी कुछ दुख मिले, कट रहा है पिछला आ रहा है, कट रहा है। ये कर्म की व्यवस्था। और एक और बड़ी भीषण व्यवस्था है, बड़ा डरना चाहिए, गलत कर्म किया और उसका फल नहीं मिल रहा है। समाज में ये बात बहुत है, लोग भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वाह नहीं करते और बचे रहते हैं, उनको उन कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। उस समाज में लोग कहते हैं देखो ये तो भ्रष्टाचारी है, रिश्वत भी लेता है, चोरी भी करता है, इसके घर तो बड़ा ऐश्वर्य, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे सब पावरफुल व्यक्ति भी इसकी बात मानते हैं। बहुत खतरनाक कंडीशन है, बहुत भीषण स्थिति है उसकी। स्थिति ऐसी है पेड़ पे लटक रहा है, छत्ते से शहद टपक रहा है, और डाल पे सांप है, कब काट ले पता नहीं, डाल पे सांप चल के आ रहा है काटने के लिए जहां पे उसने हाथ से पकड़ा हुआ है, डाली पे आरी लिए बैठा व्यक्ति को डाली काट रहा है, नीचे पानी है तैरना नहीं आता और पानी में भी मगरमच्छ मुंह खोल के खड़ा है, वो ऐसा है और उसको आनंद आ रहा है शहद का, ऐसा है बुरा कर्म। बुरा कर्म करते समय, गलत कर्म करते समय यदि फल नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा सचेत हो जाओ, क्योंकि आप तो कर्म बुरा कर रहे हो और जो आपके पिछले किए हुए पुण्य कर्म है वो सामने आ रहे हैं, आप वो ये संदेश दे रहे हैं बार बार आकर के, बचा रहे हैं आपको, और बचाने में बड़ी ताकत लगती है। कोई गिर जाए और हाथ पकड़ के किसी को खींचो, कितना जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है। सारे पुण्य कर्म बार बार आते हैं इसको बचाने के लिए, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, कर्म करेगा उसको फल नहीं मिलेगा, उसको पुण्य कर्म सामने आते रहेंगे, पुण्य कर्म इतने प्रबल होकर आएंगे, भगवान जी कहेंगे और भेजो ये सुधरे सुधरे सुधरे, और वो पुण्य कर्म भी खत्म कर देता है। उसको समझ नहीं आती हो क्या रहा है, सोचता है तो बुरे कर्म का तो फल ही नहीं मिल रहा है, अरे नालायक ये तो बड़ा खतरनाक काम होता जा रहा है, पुण्य कर्म खर्च कर लिए और बुरे कर्म कर रहे हैं, ऐसे नरक में जाओगे, इतना पतित हो जाएंगे, इतने भीषण दुख मिलेंगे, पिछला पुण्य खत्म कर चुके हो, इस जन्म में तो पुण्य किए ही नहीं, आगे के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। व्यक्ति घबरा जाता है ना, समाज में बहुत लोग दुखी होते हैं देख करके गलत व्यक्ति को, किसको तो कोई कष्ट नहीं है, ये तो और भीषण बात है, कष्ट क्यों नहीं है उसको, ये सोचो। जब आपको ये बात पक्की पता चल गई कि ये गलत कर्म कर रहा है फिर भी इसको कष्ट नहीं हो रहा, फिर भी इसको दंड नहीं मिल रहा है, समझ जाओ कि इसके साथ तो पता नहीं क्या होने वाला है, इसकी स्थिति तो बहुत दयनीय होने वाली है। और जिस दिन पिछला चक्कर खत्म हो गया, सारे पिछले भी बुरे बचे और इस जन्म के बुरे बचे, मिलेगा क्या उसको, भविष्य के सारे द्वार समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करो और जितना भी दुख आए प्रसन्न रहा करो, कट रहे निकल जाएगा, कहीं कांटा लग जाए
कहीं चोट लग जाए बीच में, मवाद आ जाती है, कुछ पड़ जाता है, बहुत छुआ नहीं जाता, दर्द होता है, डॉक्टर और थोड़ा सा दर्द देकर निकाल देता है, सुख आता है। सारे दुख दुख देने वाले हैं ऐसा नहीं है, बाद में परिणाम में सुख मिलता है। तो इसलिए सदैव सच्चे अच्छे कर्म, तप वाले कर्म करते रहो आप। समाज क्या कहता है, व्यक्ति क्या कहते हैं, परिस्थितियां क्या होती है ना, वह तो एक जिसको परमात्मा कहते हो, नियंता कहते हो, समस्त कर्मों को देखने वाला जो है तो वो करेगा ना आपकी व्यवस्था। आप क्यों इतने परेशान होते हो, आपके सिर के ऊपर है ना हाथ गुरु सत्ता का, इतना लोड क्यों ले रहे हो, अपने सिर से लोड उतार के ट्रेन में रख दो ना, ट्रेन तो जा ही रही है ना। जैसे कोई व्यक्ति जाए सफर में और अपना बैग सिर पे रख ले, क्यों, किसी कहीं खो गया तो, अरे तो नीचे रख ले, सिर खो जाएगा अपने आंखों के आगे रख ले, तो सिर पे रखने का क्या उचित है, खुद ट्रेन में जा रहा है बैग सिर पे रख रखा है, ट्रेन जा रही है बैग भी ट्रेन में, निर्भर रह के जीवन जियो। तो ऐसे बहुत शांति से, सहजता से, ज्ञानपूर्वक जीवन को जियो, जीवन बड़ा आनंद देने वाला है। छोटे मोटे दुखों से साधक परेशान हो जाए तो देख के जनता परेशान हो जाएगी, साधक होकर भी परेशान है तो हमारी तो क्या कार्यक्रम। परेशान जो शान से परे, ये झूठी शान से परे। और एक दूसरी बात, परेशान जो अपनी शान से परे हो जाए, जिसका जो कर्तव्य कर्म उससे हट जाए तो वो दुखी हो जाता है। तो चलिए सब अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहें, बहुत जीवन में आनंदित रहें। आनंद का तात्पर्य आंतरिक आनंद से भी है, और जब अंदर से आनंदित रहते हैं तो बाहर से भी आनंदित होते हैं। बाहरी परिस्थितियां जो भी हो वह आपको विचलित नहीं करनी चाहिए, ये हमारी साधना की कसौटी होती है। तो आइए आप सभी के जीवन में आनंद की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।